सुप्रभात बच्चों, स्टैंडर्ड टू की सामान्य ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, सामान्य ज्ञान का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देश आता है, विदेश, विज्ञान, भूगोल, सिनेमा, गीत, संगीत, इतिहास, भूगोल, उद्योग, सारी जानकारियां हासिल करते हैं। हम अपने शहर के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, ये सारी जानकारियां हम सामान्य ज्ञान के द्वारा इकट्ठा करते हैं और इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियां इकट्ठी करके मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। बच्चों, इसमें प्रथम प्रश्न है, साल में कितने दिन होते हैं? आपको तो पता है साल में 365 दिन होते हैं। और हर एक 4 साल पर लीप ईयर आता है। एक्चुअल 365.25 डेज होते हैं और ये 6-6 घंटे मिलाकर हर एक 4 साल पर एक लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। बच्चों, आप यहां देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चलने का रास्ता है। ये पूरा सौर मंडल है और ये पृथ्वी पर चलने का रास्ता है। बीच में सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी इस रास्ते पर हर ग्रहों का अपना अपना रास्ता होता है और पृथ्वी अपने रास्ते पर 365 दिन में एक बार चक्कर लगाती है, जिसे हम साल कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। और एक वर्ष में बच्चों कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने मिलकर 365 दिन होते हैं और एक साल बनता है। बच्चों, एक बार और देखिए, 365 दिन में पृथ्वी अपने रास्ते पर एक बार चलती है। बीच में सूर्य है, यहां पर साल में 365 दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? बच्चों, हम अपने शरीर में दबा कर देखेंगे, अंदर में एक कड़ा भाग समझ में आता है, जिसे हम हड्डियां कहते हैं। बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में ये हड्डियों का ढांचा है और इसी ढांचा पर हमारा शरीर खड़ा है, शक्ति मिलती है और खड़ा है। और इसके बाहर मांस का लेयर होता है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। यहां देखिएगा, शरीर में जो हड्डियां हैं उसी के अंदर हमारे सब अंग होते हैं, हृदय होता है, लिवर होता है, जो ये हड्डियां होती है वो उन्हें बचाती है और इन्हीं हड्डियों से हमें खड़ा रहने की शक्ति मिलती है, शरीर में ताकत मिलती है। और ये हड्डियां 206 हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। हमारे राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वो एक मशहूर लेखक थे, बहुत बड़े कलाकार भी थे, कवि थे
और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप उनको पहचान लीजिए और याद रखिएगा, जनगण मन इन्होंने ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन हम 15 अगस्त 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय त्योहार के दिन जरूर गाते हैं। जब हम इसे गाते हैं तो हमारा शरीर सावधान की मुद्रा में रहता है और हमें इसे गाने के लिए 52 सेकेंड लगता है। बच्चों, स्कूल में आप लोग जनगण मन तो गाते हो, ये गाना हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे पूरे देश में गाई जाती है, पूरी भक्ति से, देशभक्ति से गाते हैं। हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। यह 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। वंदे मातरम का अर्थ होता है वंदना करना, माँ भारत की वंदना करना। यह मुख्य रूप से बंगाली लिपि में लिखा गया है। वंदे मातरम को हम बहुत भक्ति से गाते हैं और यह हमारा राष्ट्रगीत है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा बच्चों हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसे हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारी शान है, यह हमारी आन है, हमारा गौरव है। राष्ट्रभाषा हिंदी में बहुत सारे बड़े बड़े कवि हुए, जिसमें प्रेमचंद का नाम बहुत महान है। उनकी बहुत सारी कहानियां निकली और आप लोग बुक में पढ़ते हो। और इसकी लिपि है देवनागरी। क्या लिपि है? देवनागरी। यह भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भाषा बहुत सरल है, इसे पढ़ना समझना लिखना बहुत आसान है। यह पूरे भारत में पढ़ी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, आप लोग इसलिए मैं हमेशा बोलती है हिंदी पढ़िए, क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ते हो तो हमारे देश का गौरव बढ़ता है। आइए बच्चों, एक बार हम पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे, दोहराव करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। बच्चों, वेबसाइट में आप लोगों के ये प्रश्न रहेंगे, इसे आप एक बार पढ़िएगा तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। धन्यवाद।